पाकिस्तान एड के नाम पे बदनाम तो हमेशा से है, मशहूर जमाना, लेकिन अब पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसपे पूरी दुनिया बोल रही है। तेरा तो गेम बजाना। लेकिन उसी एक यहूदी फैमिली से, जू फैमिली से, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब ने, जो यूएसए में रहते हैं, मतलब पीएम नहीं, फैमिली यूएसए में रहती है, उनसे एड मांगी। तो भाई पाकिस्तान के हालात इतने खराब होने पर इन पाकिस्तानियों को मदद चाहिए भी है और नहीं भी चाहिए, तो आखिर में पाकिस्तानी चाहते क्या है? तो चलिए पाकिस्तानियों से जानते हैं। अगर मैं अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हमारा मुल्क एक बहुत सख्त वक्त से गुजर रहा है, ऐसे ही है। तो बात इस तरह है कि मेरे नज़दीक तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लाइक हम हमेशा से बात करते रहे, हम अगर IR थ्योरी की बात करें या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो नेशंस जो होती है वो इंटरेस्ट पे चलती है कि मतलब मेरा इंटरेस्ट किस नेशन में ज़्यादा है, ठीक है। अब कोई इसराइल है या यूएसए, हमारा सबसे ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट किधर होता है? यूएसए में होता है। तो मेरे नज़दीक तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हालांकि अगर मैं तो अब भी कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर डिबेट भी करता रहता हूँ कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, हमें तस्लीम करना चाहिए, हमारी म्यूचुअल वो हो और हमारे मिडिल ईस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात बने ताकि हम आगे आगे और सरवाइव कर सके। तो सर ठीक है, आपने कहा कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए मिडिल ईस्ट में, वो सारा कुछ मुझे बताएं। फिर दूसरी जानिब हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी किस बात पे है? सबसे ज्यादा ट्रेड का बेनिफिट तो वहां हो सकता है, फिर हम अगर इसराइल के साथ बना रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर हमारी ईगो क्यों आ जाती है? असल में हमारी ईगो का मसला नहीं है, ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट और कुछ इदारों का मसला है। अगर अगर हमने फर्ज करो इंडिया के साथ ट्रेड ऑन कर दिया, हमारा तो सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब हमारी दुकानदारी बनेगी बंद होगी, हमारी आर्मी किधर जाएगी? हमारी आर्मी किस चीज के नाम पे इतना बजट काएगी? ये तो अनीस आपने बात की इसराइल की, मुझे बताओ फलस्तीन पे होने वाला जुल्म, वो सारी चीजें क्या अब भूल गया पाकिस्तान? हमेशा से जिसकी चीज के बैनर पकड़ता था, नारे लगाता था, आवाम इतनी पुरजोश होती थी, एड मांगते हुए पीएम शहबाज शरीफ साहब को एक भी दफा ख्याल नहीं आया? हम लोग नहीं लेंगे मदद तो फिर क्यों जा रहे हैं उनकी तरफ? नहीं तबाह होता मुल्क, अगर IMF ने शर्तें रखी हैं तो उनको एक्सेप्ट करें, आप लोग फुलफिल करें उनको। सिर्फ मुल्क को खाने ही तो नहीं होता कि आप लोग आए हैं यहाँ पे, आप लोग पैसे खा रहे हैं सिर्फ, मुल्क पे कुछ भी नहीं लगा रहे, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप मुल्क के साथ लॉयल नहीं है तो आप मतलब मुल्क को तबाही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे आप। मतलब हम अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं, मतलब कि मजीद दूसरे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। अगर सीधा सीधा जो IMF ने हमें कहा, जैसे कि आपने कहा अगर पूरी कर लेते हैं शराइत तो वो भी हमें 1 बिलियन का लोन दे देगा, जिससे पाकिस्तान के कुछ ना कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मतलब कि आइडियाज आते कहाँ से हमारे हुक्मरानों के पास? ऐसे कि एक तरफा वो कहते हैं ट्रेड नहीं गवारा, इनके साथ बैठना गवारा नहीं है, वो काफी है, दूसरी तरफ हम कहते हैं चलो भैया अब हमसे मदद मांग लेते हैं। वो मदद इसीलिए तो मांग रहे हैं, वो अपने खजाने अपनी जेबें और भरना चाह रहे हैं ना, और उन्होंने मुल्क को कोई अच्छा नहीं करना, वो यहाँ आए हैं पैसे कमाने के लिए। अभी उनका दौर फिर खत्म हो जाएगा, दूसरी हुकूमत आ जाएगी, फिर दोबारा जब वो आएंगे फिर वो पैसे कमाने के लिए आएंगे। वो अपनी जेबें अपने बच्चों की जेबें भर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, मुल्क के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसराइल के पास जाने के बजाय और भी रास्ते थे, इनकी अपनी इतनी जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी सेल करके तो हम कर्ज उतार सकते, क्यों नहीं उतारे? हमारे हमसाए मुल्क हमारे साथ बैठे हुए, इंडिया उसके साथ ट्रेड नहीं करे, चौथे मोहल्ले गए हम, इसीलिए तो गए हैं ना। अपनी जायदादें वो क्यों कम करें? वो पैसे ले ही इसीलिए रहे हैं कि और जायदादें बना सकें, वो अपनी जायदादें क्यों कम करेंगे? उनका मकसद ये है कि हम और से और पैसे कमाएं, और से और खाएं इस मुल्क से, और बस मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, बाहर मुल्क चले जाते हैं, कोई बीमारी का बहाना लगा लेता है, कोई बहाना लगा के चला जाता है, इस मुल्क से किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ खाने के लिए आते हैं। हमने इंडिया से क्यों नहीं मदद ली? इंडिया से मदद लेंगे तो इंडिया से डाउन हो जाएंगे ना, इंडिया से तो इसराइल से डाउन नहीं हो रहे, इसराइल से तो डाउन हो रहे हैं, लेकिन इंडिया से इसलिए डाउन हो जाएंगे क्योंकि इंडिया इनका बिल्कुल मुखालिफ है। इंडिया से ही तो आज़ाद होकर ये पाकिस्तान बना था, अब इंडिया से ही मदद लेंगे तो वो और आगे से कहेंगे कि देखो हमारे पास ही कटोरा फैलाने के लिए आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, इंडिया के सामने हम लोग अपना नाक ऊंचा कर रहे हैं और इसराइल के सामने हमने अपनी नाक की बड़ा गर्व कर दिया। पूरी दुनिया के सामने नीचा हो गया पाकिस्तान का नाम, पूरी दुनिया के सामने नीचा हो गया, वो भी सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से ही नीचा हुआ है, बाकी कोई वो नहीं है। पाकिस्तान को खा रहे हैं सिर्फ ये, और इनका कोई मकसद भी नहीं है। जो असासा जात है वो जाहिर नहीं करना चाह रहे, और हम आवाम को इन सब ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और पैसा जो है वो लूट रहे हैं, और दोनों दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हम देखें इन हालात से पहले भी और अभी भी इसराइल की बहुत सी टेक्नोलॉजियों के अंदर पाकिस्तान के इस्तेमाल होती है, हम लोग यूज़ करते हैं, हम मानते नहीं हैं। क्या आपको बताया, आपको क्या लगता है कि ऊपर से सिर्फ बताया जाता है कि हम मानते नहीं, अंदरूनी देखें तो मामला कुछ और नहीं लगते? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ अपना मुफाद है, जहाँ अपना फायदा लगता है, वहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि ये पाकिस्तानी भाई बेवकूफ है, भाई पाकिस्तान के इतने खराब हालात हो गए, वहाँ पे भीख मांगने के लायक हो गए ये पाकिस्तानी, और जो है ये इनसे कह रहे हैं कि तुम्हें अगर इंडिया से मदद लेनी पड़े तो तुम लोगे, तो भाई पाकिस्तानी भी मना कर रहे हैं इन्हें मदद नहीं चाहिए। अगर इंडिया किसी और देश की मदद करते तो इन्हें जलन भी होती है, इन्हें गुस्सा भी आता है कि इंडिया किसी और देश की मदद क्यों करता है, हम पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं करता।
तो भाई जब तक तो ये ऐसे भड़क पड़ते हैं और अब इनसे कह रहे हैं कि इंडिया से मदद लेनी पड़ी तो क्या करोगे, अब ये मना कर रहे हैं कि हमें इंडिया से मदद नहीं चाहिए क्योंकि हम जो इंडिया वाले हैं ना इन्हें भगा देंगे कि अब जाओ तुम तो वही आतंकी हो जो हमें मारते थे पीटते थे, भी कहते थे जो भी कुछ हमें गलत बोलते थे, अब तुम हमसे भीख मांगने आए हो हम नहीं देंगे तो चलो भाई हम इंडिया वाले ये कह के भगा देंगे इन्हें। तो भाई ऐसा सच है हम भगा देंगे हम। तो भाई ये पाकिस्तानी भाई बिल्कुल बेवकूफ है, दिमाग दिमाग चल चुका है इनका। इनके पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई है और इनकी इनके पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो अब भी ये पाकिस्तानी अपने अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं, अपने फर्ज निभा रहे हैं। अब भी जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन खराब है तो ये अब भी उन्हें देख रहे हैं और अब भी जो है ये इंडिया से मदद मांगने के लिए तैयार नहीं है और तैयार भी है तो ये भाई पागल है, बिल्कुल ही पागल है। तो आपको हमें इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।